वाच्य। इस मॉड्यूल में आप कर्म वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य का एक महत्वपूर्ण भेद है कर्म वाच्य। कर्म वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में, उसका विधान कर्म के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। का उदाहरण, दर्जी द्वारा कपड़ा सिला जाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात कपड़ा के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य का उदाहरण, लड़कों द्वारा गेंद खेली जा रही है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात गेंद के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। रेखा द्वारा फल तोड़ा जा है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात फल के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। मजदूरों द्वारा परिश्रम किया जाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात परिश्रम के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। अन्य उदाहरण, कलाकार द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात मूर्ति के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। बालिका द्वारा गाना गाया जाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात गाना के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। बच्चों द्वारा नाटक खेला जा रहा है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग अर्थात नाटक के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। दीपक द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात पतंग के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। पक्षी द्वारा दाना चुगा जाता है। इस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्म अर्थात दाना के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। सारांश, इस मॉड्यूल में आपने सीखा वाच्य का एक महत्वपूर्ण भेद है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में उसका विधान कर्म के लिंग और वचन के अनुसार किया गया है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं।